the traditional careers in the past, then the changing trends, and now the untraditional careers with wide scope and range. And then we had read the considerations which must be kept in mind while selecting a career. And according to the writer, those considerations must be, first of all, interest in job. Secondly, mental satisfaction. And thirdly, the market trends. ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था हमने, पैराग्राफ नंबर 4 तक पढ़ा था. टुडे वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5. पैराग्राफ नंबर 5 इज़ अपॉन पेज नंबर 108. नाउ लेट्स स्टार्ट. करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स. करियर काउंसलर्स, करियर पेशा, काउंसलर्स मशवरा देने वाले, जनरली आम तौर पे वेल बखूबी इन्फॉर्म्ड, अवेयर बाखबर अबाउट के बारे में, सच इस तरह के ट्रेंड्स रुझानात. ठीक है, अब करियर काउंसलर्स कौन होंगे? हम इनको कहते हैं पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक. ठीक है, पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक. अब काउंसलर होते हैं मशवरा देने वाले, तो हम इनको उर्दू में करेंगे, टिपिकल उर्दू में मुहावरतन करेंगे, मुशीर. मुशीर क्या होता है? मशवरा देने वाला. ठीक है, देखें पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक मशीर आम तौर पे ऐसे रुझानात के बारे में अच्छी तरह आगाह होते हैं. दे कैन प्ले अ की रोल. वो एक अहम या बुनियादी, की रोल वाइटल रोल, वो एक अहम या बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इन गाइडिंग द यूथ, नौजवानों की रहनुमाई में, टूवर्ड्स आ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, एक नफा आवर पेशे के हवाले से. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें टूवर्ड्स सिम्त की तरफ, यानी एक नफा आवर पेशे की तरफ ले जाना. टूवर्ड्स किसकी जगह पे यूज़ हुआ? लीड की जगह पे. लीड होता है ना किसी की क्यादत करना, ले जाना. तो यहाँ पे टूवर्ड्स किसी को सिम्त दिखाना, किसी की तरफ ले जाना, और किस तरफ ले जाना? अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. अब ट्रांजिशन सुने. दे कैन प्ले अ की रोल. वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं इन गाइडिंग द यूथ, नौजवानों की रहनुमाई में, टूवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, उनको एक नफा आवर या मुनाफा बख्श पेशे की तरफ लिए जाने में या राह दिखाने में. ठीक है, वो नौजवानों को नफा आवर पेशे की राह दिखाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं. सो हु आर करियर काउंसलर्स? दे आर द एक्सपर्ट्स, दे आर द एडवाइजर्स, दे आर द काउंसलर्स हु गाइड द यूथ टूवर्ड्स द मोस्ट रिक्वायर्ड एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस. ओके, अच्छा दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस. दिस हाईलाइट्स, हाईलाइट उजागर करना, रोशनी डालना. द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ अ फुल टाइम, पूरा टाइम. ठीक है, मुकम्मल हर वक्त, करियर काउंसलिंग, करियर पेशा, काउंसलिंग मुशावरत. ठीक है, काउंसलर मुशीर और काउंसलिंग मुशावरत. डिपार्टमेंट शोबा एट द स्कूल लेवल, स्कूल की सतह पे. अब सुने दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस. ये बात
इसकी अहमियत को उजागर करती हैं। आप अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट स्कूल लेवल के स्कूल की सतह पे पेशे से मुतल्लिक स्कूल की सतह पे पेशे से मुतल्लिक मुशावरत देने वाला शोबा मुशावरत देने वाला शोबा या मशवरा देने वाला शोबा हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए। दोबारा से सुन लें कि ये चीज़ इस बात की अहमियत को उजागर करती हैं कि स्कूल की सतह पे पेशे के मुतल्लिक मशवरा देने वाला शोबा हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए। ठीक है, अब करियर काउंसलर जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं राइट करियर के हवाले से। ठीक है, अब वो जो करियर काउंसलर्स हैं उनकी जो यूटिलिटी है वो स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, बल्कि स्कूल लेवल पे ही उनका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो अपने एडवाइजरी सर्विसेज को ऑपरेटिव कर सकें। अब स्कूल लेवल पे क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल पे बच्चे के जो एप्टीट्यूड हैं, बच्चे की जो इंटरेस्ट हैं, उसकी दिलचस्पी जो है, उसका ट्रेंड जो है, उसका ज़हनी रुझान जो है, उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है स्कूल लेवल पे। ठीक है, कॉलेज लेवल पे तो आपकी हैबिट्स मैच्योर हो जाती है ना, तो आपकी जो इनबॉर्न जो फैकल्टीज़ हैं वो इतनी सामने नहीं आती, वो आपकी स्कूल लेवल पे सामने आती हैं। ठीक है, चलें। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होना चाहिए? टू डिटरमिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे की शख्सियात का तायुन करना। ठीक है, यानी तलबा की शख्सियात का तायुन करना, टू ऑब्ज़र्व उनका जायज़ा लेना, एंड एनालाइज को तज्जिया करना देर इंटरेस्ट उनकी दिलचस्पियों का, एंड टू सजेस्ट और देना सूटेबल मुनासिब करियर्स का मुनासिब पेशों का मशवरा देना अकॉर्डिंग टू देर एप्टीट्यूड उनके ज़हनी मिलान या ज़हनी रुझान के मुताबिक। दोबारा से सुनिएगा, द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी, इस किस्म के डिपार्टमेंट का काम क्या होना चाहिए? टू डिटरमिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की शख्सियात का तायुन करना, टू ऑब्ज़र्व मुशाहदा करना, एनालाइज तज्जिया लेना देर इंटरेस्ट उनके दिलचस्पियों का, एंड टू सजेस्ट सूटेबल करियर्स अकॉर्डिंग टू देर एप्टीट्यूड और उनके ज़हनी मिलान या ज़हनी रुझान के मुताबिक उनको सही दुरुस्त पेशों का मशवरा देना। ठीक है, अब अगर स्कूल लेवल पे देर इज़ नेसेसिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू सजेस्ट सूटेबल करियर्स टू द स्टूडेंट्स, एंड हाउ कैन दिस डिपार्टमेंट सजेस्ट सूटेबल करियर्स, दिस डिपार्टमेंट कैन सजेस्ट सूटेबल करियर्स टू द स्टूडेंट्स बाई कीपिंग इन माइंड their interests, their aptitude. The function of this department is to observe and analyze their personalities and then lead them to the right way. Most of the parents and students find themselves in a fix idiom hai. ठीक है, in a fix idiom hai, इसका मतलब होता है in confusion, कश्मकश में होना, तजबजब में होना, ठीक है, उलझन में होना। चलिए आप इजी कर लें, उलझन में होना। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स, वो उलझन में होते हैं व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर, जब वो पेशे के इंतखाब के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे करियर का वर्ड आ रहा है, मैं साथ में इंतखाब का वर्ड खुद से लगा रही हूँ, क्योंकि डिसाइडिंग ऑन अ करियर पेशे पर फैसला नहीं होता, पेशे के इंतखाब पर फैसला होता है। ठीक है, आप देख लें, ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो उलझन का शिकार हो जाते हैं जब वो पेशे के इंतखाब के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, अब पेरेंट्स जो हैं उनको पता नहीं होता मंडी के रुझानात का, एजुकेशनल सिस्टम्स उनको तालीमी सिस्टम्स का पता नहीं होता, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, और उन्हें किसी मखसूस जो है
पर्टिकुलर ख़ास डिसिप्लिन ज़ाब्ता और किसी ख़ास ज़ाब्ते की अहमियत से वो बेखबर होते हैं, उनको पता नहीं होता। वालिदैन आम तौर पे मंडी के रुझानात, तालीमी निज़ाम और कोई ख़ास ज़ाब्ते की अहमियत से बेखबर होते हैं, वाकिफ़ नहीं होते या आगाह नहीं होते। सिमिलरली 14-15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट मेच्योर इनफ टू मेक इट्स लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। सिमिलरली इसी तरह से 14-15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स 14-15 साल के बच्चे क्वाइट इमेच्योर आर नॉट मेच्योर, वो भी मेच्योर नहीं होते, वो भी इतने पुख्ता जहन के नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस कि वो ज़िंदगी बदल के रखने वाले फ़ैसले कर सकें। इसी तरह 14-15 साल के बच्चे भी इतने समझदार नहीं होते कि वो ज़िंदगी बदल देने वाले इस तरह के फ़ैसले ले सकें। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट, तो बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस किया गया है डेट करियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड, के करियर काउंसलिंग जो है पेशे के मुतल्लिक, शोबे के मुतल्लिक मुशावरत मस्ट बी प्रमोटेड, इसको फ़रोग दिया जाए फ्रॉम स्कूल लेवल, स्कूल की सतह से ही। सो दिस पैराग्राफ हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवाइजरी काउंसलिंग। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट मस्ट बी रन बाय एक्सपर्ट्स एंड इट मस्ट बी ऑपरेटेड फ्रॉम स्कूल लेवल या एट स्कूल लेवल। द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू जज अ स्टूडेंट, टू जज हिज इंटरेस्ट, टू ऑब्जर्व हिज एबिलिटीज, टू एनालाइज हिज एक्टिविटीज एंड देन सजेस्ट हिम सूटेबल करियर इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स और द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इन द सेम वे स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 14 or 15 ईयर्स आर नॉट एबल टू टेक मैच्योर डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ। सो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू हैव काउंसलिंग डिपार्टमेंट इन एवरी इंस्टीट्यूशन। पैसेज नंबर 6, वंस अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आप एक शोभा चूज कर लेते हो, हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब एक शोभे का इंतखाब कर लिया जाए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर डैट पर्टिकुलर फील्ड। तो अब क्या है कि आपने उस ख़ास फील्ड में एंटर कैसे होना है, अगर हम अगला मरहला जो है वो उस ख़ास शोबे में दाखिल होने का है। जब किसी शोबे का इंतखाब कर लिया जाए तो अगला मरहला इस शोबे में दाखिल होने का है। विच डिग्रीज, कौन सी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, असनाद, कोर्सेज, निसाब, सब्जेक्ट्स, मजामीन शुड बी ऑप्टेड फॉर, जो है वो उनका इंतखाब किया जाए। ऑप्ट का वर्ड है ऑप्शन से, ऑप्शन आपकी चॉइसेस को बोलते हैं। ऑप्टेड फॉर वर्ब के तौर पे आ रहा है। अच्छा, अब उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए विच डिग्रीज आर रिक्वायर्ड, विच सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल में, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप पेंटिंग में जाना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, यू मस्ट नो कि उसके मेरिट क्या हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे ये कोर्स हो रहा है, किस इंस्टीट्यूशन की डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है, किस इंस्टीट्यूशन की डिग्री के लिए आपको कितने मार्क्स हासिल करने होंगे या वहाँ पर सीट्स कितनी होती हैं। So you must have proper knowledge about the field in which you want to enter. Okay जी, ट्रांसलेशन दोबारा सुन लें। जब एक दफ़ा किसी पेशे का इंतखाब कर लिया जाता है तो अगला स्टेप ये है कि उस खास फील्ड में दाखिल होना। कौन सी डिग्रीज, कौन सी असनाद, कौन से निसाब, कौन से मजामीन जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ।
इख्तियार किए जाएं। अ स्टूडेंट शुड आल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अब इसका वे क्या है कि एक बच्चे को उनसे मशवरा करना चाहिए जो सक्सेसफुल हैं, यानी कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, या जो एक जो है वो बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड बने हुए हैं, कामयाब स्टूडेंट्स जो हैं एंड प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, या उस ख़ास फील्ड के जो पेशावराना माहरीन हैं उनसे भी मशवरा कर लेना चाहिए। एंड बिलीव मी कि ये अगर आप लोग टेंथ के स्टूडेंट्स FSC के बच्चों से पूछे ना कि टेंथ में मार्क्स कितने कैसे अच्छे लिए जा सकते हैं, तो FSC के बच्चे उनको इतना अच्छा गाइड करेंगे कि शायद हम लोग भी उतना अच्छा गाइड ना कर सकें। इसी तरह अगर जो है FSC के बच्चे यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स हैं या उनके स्कूल से जो पढ़ के जा चुके हैं उनसे अगर मशवरा करें तो वो उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि वो उस मकाम तक कैसे पहुँचे थे, उस मकाम तक पहुँचने के स्टेप्स क्या थे, जो उन्होंने सफ़र किया होता है वो फिर आपको वो सारी हर्डल्स वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए पहले दिन से ही आप इतना मेरिट बना लो या इस तरह से पढ़ो कि आपका एक एक वर्ड जो है, आपकी एक एक लाइन जो है, आपकी एक एक चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियर हो। ओके जी, पैसेज नंबर 7। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस। अब मंदरजा ज़ैल में एक मुख्तसर सा एक तारुफ दिया गया है टू वेरियस करियर चॉइसेस, जो है मुख्तलिफ किस्म की जो पेशे की जो इंतहाबात हैं उनके बारे में। ठीक है, मंदरजा ज़ैल में मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब से एक मुख्तसर तारुफ दिया गया है। दिस इज़ द आउटकम ऑफ ए सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली एक नतीजा है उस जायजे का, ये उस सर्वे का, उस जायजे का नतीजा है कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स के दरमियान किया गया एंड प्रोफेशनल्स और पेशावराना स्टूडेंट्स के दरमियान, टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे, ताकि सबसे ज़्यादा मौजू रास्ता जो है वो जाना जाए फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड, उनकी मुंतखब शुदा फील्ड्स के लिए। दोबारा से सुन लें, दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे, ये उस जायजे का नतीजा है कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, जिस सर्वे को सीनियर स्टूडेंट्स और पेशावराना लोगों में किया गया, टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर द सिलेक्टेड फील्ड्स, ताकि वो अपने मुंतखब शुदा शोबों में कौन से सबसे ज़्यादा मौजू तरीके से जा सकें या उस मौजू तरीके को जान सकें। आई शैल स्टॉप हियर, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो आपका है करियर काउंसलर्स वाला या करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट वाला पैसेज जो है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह इसकी ट्रांजिशन प्रिपेयर करें। ओके, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।